दोस्तों, रेस के एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूर्व में कैलेंडर के माध्यम से तिथि घोषित कर दी है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसने 14 मई की तिथि को निर्धारित किया है। हालांकि इस तिथि के पूर्व में ही स्टूडेंट के स्तर पर जिस तरीके से कुछ बिंदुओं और विषयों को लेकर के चर्चा परिचर्चा, प्रश्न पूछना, बहस करना जारी है, वो ये बताता है कि किस तरीके से स्टूडेंट वास्तविकता के बजाय विभिन्न प्रकार के भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। इसी कारण से आज के इस संक्षिप्त चर्चा में हम लोगों ने आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो है यूपी पीसीएस भ्रांति एवं वास्तविकता, जैसे विज्ञप्ति को लेकर के है, विषय को लेकर के है कि मुख्य परीक्षा में विषय रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के प्रश्न, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मेल के माध्यम से हो, लोगों की तरफ से क्वेरी की जा रही है। और यह केवल पूछे जाने वाले स्टूडेंट की ही नहीं, बल्कि जो नहीं पूछ रहे हैं या बहुत ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं, उन सभी लोगों की इस तरीके की समस्याएं हैं कि उन्हें परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की रणनीति, परीक्षा के पाठ्यक्रम, गंभीरता, प्रश्नों की विविधता, इन सभी विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो सभी लोग इन सभी अनर्गल किस्म के विषयों पर, या यूं कहा जाए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से विषयांतर बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करके अपनी गंभीरता को भी कम कर रहे हैं, परीक्षा के प्रति अपनी ईमानदारी और निष्ठा को कम कर रहे हैं। किंतु उन्हें ऐसी परिस्थिति में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, विज्ञप्ति और इसके साथ साथ विषय कि बिंदु पर क्या बातें होनी चाहिए, इसको लेकर के हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जिसे हम लोग इसे इस रूप में लिख देते हैं कि विज्ञप्ति का एक बिंदु है, इसमें मुख्य परीक्षा में विषय का भी इसमें प्रकरण है, और तीसरा प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, हम लोग इन तीन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को निश्चित कर दिया है तो उसका अब विज्ञप्ति से बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि वह यदि विज्ञप्ति आज दे भी देता है और वो चाहेगा तो वो परीक्षा को टाल सकता है, या विज्ञप्ति वो 4 सप्ताह बाद देता है तो फिर भी चाहेगा तो परीक्षा को टाल सकता है। तो जब सब कुछ लोक सेवा आयोग के हाथ में है तो इस विषय पर चर्चा करके अपना समय नष्ट करना, अपने आगंभीर और वाचाल होने का प्रमाण देना, ये आवश्यक नहीं है। किंतु हमेशा से ये देखने में आया है कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित होती है, उसमें एक निरंतरता है, तो अब कम से कम यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस विषय पर चर्चा करना है कि विज्ञप्ति कब आ रही है, परीक्षा कब हो रही है। उसने एक डेट तो दे दिया है कि वो 14 मई को परीक्षा आयोजित कर रहा है, तो हमें अभी तो यही मान करके चलना है कि परीक्षा 14 मई को ही हो रहा है और 14 मई को होगा, और इसके लिए विज्ञप्ति वो आज दे या 2 सप्ताह बाद दे, इससे आपकी तैयारी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको 14 मई को सोच करके पाठ्यक्रम, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जो मैं नोट कर रहा हूं, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आपको पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा को, विज्ञप्ति को, विषय को लेकर के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, किंतु उन्हें पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि प्रारंभिक परीक्षा के या मुख्य परीक्षा के अभी तक क्या पाठ्यक्रम रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि विषय हटने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और निश्चित तौर पर यह देखा जाए तो लोक सेवा आयोग की तरफ से, चाहे वो सिविल सेवा को ही हम पूरे ले लेते हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को ही, क्योंकि विषय का हटना ये निश्चित तौर पर सिविल सेवा की परीक्षा पैटर्न में एक सुधार की तरफ संकेत करता है। क्योंकि जब परीक्षा के स्तर में, परीक्षा के प्रारूप में एक रूपता होगी सभी स्टूडेंट के लिए, तो वह सबसे बेहतरीन परीक्षा का माध्यम माना जाएगा,
इसमें किसी भी विषय के कठिन आने, किसी भी विषय के सरल आने, किसी विषय में स्केलिंग होने, किसी विषय में ना स्केलिंग होने का आरोप नहीं लगेगा। और सभी लोगों को जब एक ही प्रकार के प्रश्न पत्रों को हल करना होगा तो वह सबसे सही तरीका होगा किसी स्टूडेंट को जांचने का और सिविल सेवा के कसौटी पर खरा देखने का। तो इस लिहाज से जो विषय का हटना और सभी प्रश्न पत्रों का सभी के लिए समान बनाया जाना, यह निश्चित तौर पर सिविल सेवा के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसा कि पूर्व में साक्षात्कार के 200 अंकों को जो है वो 100 अंक कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा और विषय की समझ का वेटेज बढ़ा हुआ है, यह भी एक किस्म का सुधार था। तो उसी तरीके से इसमें पैटर्न पे कार्य चल रहा है और हमेशा से जैसा कि जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसकी विज्ञप्ति आ जाती थी और विज्ञप्ति में डिले हो रहा है, शासन प्रशासन में इसकी चर्चा हो रही है, विभिन्न प्रकार के प्रपोजल पर काम चल रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि विषय लगभग लगभग माने जा रहे हैं कि हट जाएगा। लेकिन इन विषय पर सोच करके, अनावश्यक प्रश्न पूछ करके आप अपनी गंभीरता को कम मत कीजिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपको अपने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की एक समझ बनाना है, क्योंकि पाठ्यक्रम का समझ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम कई बार ऐसे पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, तो हमारे पाठ्यक्रम से अगर वो मेल खाता है तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और उसकी अवधारणात्मक समझ आधारित विभिन्न तथ्यों को समेटते हुए उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने अपने पैटर्न में चेंजिंग किया हुआ है, उससे ये बात जाहिर तौर पर साफ है कि अब वह अपने प्रश्न पत्रों के न केवल स्वरूप को बदल रहा है, बल्कि उसकी गहराई को बढ़ाते हुए वो केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए आपको अपने पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए, उस पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी मटेरियल का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन होना चाहिए और पुनः उन टॉपिक्स पर आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स को अगर हम विशेष रूप से देख रहे हैं, तो जितने भी सवाल प्रारंभिक परीक्षा के बन सकते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। दूसरी तरफ जितने भी सवाल अभी तक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं उनका कंसेप्चुअल स्टडी, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो प्रीमे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को बहुआयामी तरीके से बहुआयामी तरीके का मतलब यह हो गया कि अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो उसके सभी पक्षों और पहलुओं को जोड़ करके पढ़ना। इससे न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में बड़े सवाल और टिप्पणी से संबंधित या 150 शब्द या 250 शब्दों के जो प्रश्न होंगे उनको समझने में और उनको लिखने में आपको मदद मिलेगा। अब हमेशा से ही आपका ये एक अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का कि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो केवल सूचना और तथ्यों के रूप में नहीं, हालांकि सूचनाओं और तथ्यों को भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हें भी कहीं कहीं याद करना पड़ेगा, परंतु उन तथ्यों को अलग करके मत पढ़िए, उन तथ्यों को उन कॉन्सेप्ट के अंदर रख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और कॉन्सेप्ट का जो एक क्रम होगा, कॉन्सेप्ट की एक दिशा होगी, उस दिशा में चलने के दौरान यदि तथ्यों की आवश्यकता है तो तथ्य आप जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं कि तथ्यों को छोड़ सकते हैं और केवल कहानी ही पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हम जब कॉन्सेप्ट को लिखते हैं तो वहां पे तथ्यों का जो सम्मिलीकरण होता है वो आपके उत्तर लेखन को और आपके प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाता है। इसलिए आप अवधारणाओं को एक सही दिशा में विभिन्न पक्षों को जोड़ करके पढ़िए, जहां आवश्यकता हो वहां पे आप तथ्यों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन आपके अप्रोचेज जो हैं वो मुख्य परीक्षा के ही दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट आगे हटता भी है तो भी वहां पर आपको अब ज्यादातर चीजें लिखने पे ही आधारित होंगी और उन सभी लिखने के लिए जो है कॉन्सेप्ट आपका मदद करेगा। तो इसलिए विज्ञप्ति को लेकर के किसी भी तरीके से जो है अपने आप को उलझाने का प्रयास मत कीजिए, और उसी तरीके से विषय को लेकर के है भाई, विषय एक होगा, अभी एक विषय पर परीक्षाएं की जा रही हैं, मुख्य परीक्षा वैसे भी लिखित रूप में अब आयोजित हो रही है, तो अब इस पर किसी भी तरीके से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने समस्त क्षमता को प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस कीजिए। मैं कम से कम 10 लोगों को ऐसे जानता हूं जो एक क्वेश्चन से अंदर या बाहर होने की स्थिति में हमेशा रहते हैं, तो कम से कम आप इतने तो मजबूत अपने आप को बना ही लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में किसी तरीके से समस्या ना हो। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा
के बारे में सोचना, मुख्य परीक्षा में विषय रहेगा या नहीं रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर अनर्गल किस्म की बातें करना, अपना समय गंवाना किसी भी तरीके से एक जिम्मेदार स्टूडेंट के लिए परिचायक नहीं है। और लोक सेवा आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने व्यवहार में भी संयमित रहिए। जैसा कि जब साक्षात्कार होता है तो क्या आपको लग रहा है कि साक्षात्कार से संबंधित जो भी क्राइटेरिया है या जो भी कमीशन आपसे अपेक्षा करता है उन सभी पक्षों पहलुओं व्यवहार कार्य की तैयारी प्रस्तुति जो है एक दिन में हो सकती है, एक महीने में या एक साल में हो सकती? नहीं, ये साक्षात्कार में जाना, साक्षात्कार में आपका व्यवहार कार्य, प्रश्नों को बताने का तरीका, आप प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर बता रहे हैं, अच्छी बात है, उत्तर बताने का तरीका भी आपके व्यक्तित्व का एक भाग होता है कि कैसे आप बता रहे हैं, और प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय आपके ऊपर जो दबाव है उस दबाव को झेलने और समझने का जो तरीका है वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक स्टूडेंट हैं, आपका व्यवहार संयमित होना चाहिए, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, आपकी शिक्षा संतुलित होनी चाहिए। जैसे जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो आपकी भाषा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से लिखना चाहिए, मध्यवर्ती मार्ग को अपनाने का प्रयास होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे केस जहां पर विवाद की स्थिति होती है और कुछ लोगों की तरफ से, कुछ शिक्षाविदों की तरफ से एक बात, कुछ शिक्षाविदों की तरफ से दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पर संतुलन का होना आपके आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विषय को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने का प्रयास मत कीजिए, आप केवल अपना फोकस अपने तैयारी पर कीजिए। अभी तो कुल मिलाकर के प्रीलिम्स पे ही कीजिए और जैसे ही जो है नोटिफिकेशन आ जाता है आप अपनी रणनीति उसके अनुसार बदल लीजिए। तो विज्ञप्ति और विषय, इन सभी चीजों पर किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति को लेकर के। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है, आप पाठ्यक्रम को एक से दो बार, शब्द शब्द, वर्ड टू वर्ड आप जरूर पढ़ लीजिए दो बार तीन बार, जिससे ये क्लियर हो जाए। रटना अलग विषय है किंतु समझ होना आवश्यक है कि जब आप किसी विषय को पढ़ेंगे, किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे, तो कम से कम आपका दिमाग वहां पर हिट ये करना चाहिए कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम सुन रहे हैं वो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है और आप उसको सीरियसली समझेंगे, सुनेंगे, जिससे उससे संबंधित चीजें आप क्लियर कर सकें और परीक्षा में यदि वहां से सवाल पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप हल कर सकें। तो पाठ्यक्रम की समझ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे आप समझने का प्रयास जरूर कीजिए। और दूसरी तरफ पाठ्यक्रम के बाद जो समय आपका है, समय का सदुपयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि साइंस के रूल भी हैं कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। इस ब्रह्मांड में और इस सोचने के दुनिया में, प्रत्यय में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल टाइम है, क्योंकि टाइम को आप पीछे नहीं कर सकते हैं। जो टाइम आपके सामने से गुजर रहा है वह टाइम दोबारा वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय रहते हुए अपने समय का सदुपयोग कीजिए, और समय का सदुपयोग इस रूप में हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है वो रणनीतिक होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइम स्लॉट को बांट करके अलग अलग विषयों के रूप में होनी चाहिए, ताकि हर विषय की बेहतर तैयारी हो सके। और यहीं पर फिर से मैं पीछे जाना चाहूंगा पाठ्यक्रम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बहुआयामी सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, कोई भी पाठ्यक्रम में टॉपिक रखा गया है वो अनावश्यक नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके प्रशासन से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको पाठ्यक्रम की संतुलित तैयारी करना होगा, टाइम स्लॉट में निर्धारित कर सकते हैं आप अपने विषयों को, और उन विषयों के आधार पर अपने पाठ्यक्रम की बेहतर ढंग के स्टडी मटेरियल के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए। तो नंबर वन, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस को दो तीन बार पढ़ करके उसके बारे में समझ विकसित होना चाहिए, फिर उस पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उस स्टडी मटेरियल का कम से कम तीन बार अध्ययन होना चाहिए, और जो सेक्शन आपको लग रहे हैं कि थोड़ा सा वीक है उन टॉपिक्स को, उन विषयों को आप ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट की तैयारी डेफिनेटली अन्य विषयों की अपेक्षा अच्छे होते हैं, यदि आपने रुचि लिया हुआ है अपने एकेडमिक तैयारी के दौरान। तो जो टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं उनकी तैयारी आप एक दो बार और पढ़िए, लेकिन कम से कम तीन बार अवश्य पढ़िए, और जब इस तरीके से आप अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर लेंगे तो एक समझ उसके बारे में बन जाएगी।
और दूसरी बात यह है उससे संबंधित जितने भी सवाल, कम से कम अगर आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको जरूर हल कर लिए, क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि आपके पाठ्यक्रम की तैयारी से आपका मूल्यांकन हो जाएगा, और दूसरे परीक्षा में यदि सवाल वहां से बनते हैं ज्यों का त्यों तो आपके समय बचाएंगे और वो सवाल वहां से सीधे हल हो जाएंगे। और कई बार ऐसे होता है कि 40% सवाल 30% सवाल वो सीधे के सीधे मिल जाते हैं, हालांकि इसकी कोई निश्चितता नहीं है या उसमें ऐसी प्रवृत्तियों की कोई निरंतरता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि वहां पे प्रश्न सीधे के सीधे मिल जाते हैं, तो आप उसको हल कर लीजिए। और अगली बात यह है कि जो भी अभी तक पिछले 15 से 20 सालों में प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए हैं उनको बहुआयामी तरीके से, बहुपक्षीय ढंग से इस तरीके से पढ़िए कि उससे मिलते जुलते सवाल अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसको हल करने में सफल हो जाए। तो ये पूरी रणनीति है, और रणनीति कभी भी शॉर्टकट तरीके के अधीन नहीं होती है। आपको पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना ही है, उस पर आधारित क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, पूर्व में आए हुए प्रश्नों को हल करना है, और परीक्षा से एक महीने पहले मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके समय प्रबंधन की समस्या, आपके हेजिटेशन की समस्या और आपके मूल्यांकन जो तैयारी किए हैं उसका मूल्यांकन भी हो जाता है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी आगे जारी रखेंगे और उसमें जो कमियां होंगी उसको आप समय रहते हुए सुधार पाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, पाठ्यक्रम की समझदारी, उस पाठ्यक्रम पर आधारित जो है स्टडी मटेरियल का ईमानदारी से अध्ययन, ईमानदारी और मेहनत से अध्ययन, और दूसरे तरीके से उस पर बनने वाले सभी सवालों को हल करना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को हल करना, कुछ टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं उसको 2 से 3 बार और पढ़ना, उसके बारे में मंथन करना। दो चीजें भी मैंने बोला, एक तो ईमानदारी और दूसरा मंथन करना। मंथन करने का तात्पर्य जो दिन में आपने पढ़ा है उसके बारे में 10 मिनट आप या 5 मिनट शाम को जरूर सोचिए, क्योंकि ऐसा करने से जब आप सोचते हैं उसके बारे में तो वो चीजें रिमाइंड हो जाती हैं, और चूंकि आपने उसी दिन पढ़ा हुआ है तो वो माइंड में ड्यूरेबल हो जाती हैं, और जो ये भूलने की बीमारी होती है उसको भी ये मात देती है। ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्वयं आपके स्तर पर महसूस होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमें महसूस हो रहा है कि तैयारी हमारी हो रही है, क्योंकि तैयारी केवल दिखाने के लिए, केवल बताने के लिए नहीं होती है, तैयारी महसूस करने का विषय है। और यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम को किसी समय में निश्चित किए हैं और निश्चित करने के बाद उस चीज की तैयारी करने में सफल हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो भ्रांतियां आप लोगों के मन में विज्ञप्ति और विषय के हटने न हटने को लेकर के है वो काफी हद तक दूर हुई होंगी। आप अपने को गंभीर बनाइए। एक शब्द आता है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये एक दिन में नहीं बनता है। इसकी गंभीरता, इसके व्यवहार, इसकी समझदारी, उठने बैठने का तरीका, आपके वार्तालाप की शैली, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, और ये जब आप चाहते हैं तभी बदलती है। आप उस सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जब आप सीखने की दिशा में होंगे, लोगों से जो जिन्होंने ऐसा कुछ किया है लाइफ में उनके साथ बैठेंगे, विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे, तो इससे आपको एक्सपीरियंस उनका आपके पास स्थानांतरित होगा, आपकी शब्दावलियां बदलेंगी, आपकी भाषा शैली बदलेगी, आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा, और आप धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर होंगे जिसे लोक सेवा आयोग एक अधिकारी के रूप में आप में देखने का प्रयास करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, और विज्ञप्ति तथा एक विषय को रहने और हटने पर अपना ध्यान केंद्रित मत कीजिए। अपने आप को गंभीर, एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की तरह से अपने आप को विकसित करने का प्रयास कीजिए, और इन रणनीतियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। विषय और अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित कुछ किताबों से संबंधित डिटेल्स पर एक लेक्चर पूर्व में भी बनाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उन सभी विषयों से संबंधित किताबों का भी जिक्र वहां पर मिल जाएगा। हालांकि जो स्ट्रेटजी है वो यही है, और किसी भी विषय की कोई भी पूरी किताब जो बेस बुक होती है अगर वो है तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी होगी, किताबें कोई खराब नहीं होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किताब में सिलेबस का ज्यादा पोर्शन मिलता है, किसी में थोड़ा सा कम मिलता है, या किसी में भाषा को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमारे स्तर पर जो डेवलप की गई है चीज़ें, कंटेंट और मटेरियल और किताबों की सूची, वो आपको जो है लिंक के माध्यम से दिया जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में रही होंगी वो दूर हुई होंगी, और आपको अब वास्तविकता पर फोकस करना जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है।
तो आगे आप सभी लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने और तैयारी करने के लिए शुभकामनाएं कि आप इतना बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि परीक्षा में जाने के बाद किसी भी तरीके से हेजिटेशन ना हो और आत्मविश्वास के साथ आप जाएं परीक्षा में बेहतर दावेदारी पेश करें और एक पद अंतिम रूप से जो है चयनित होकर के आप लोग दिखाएं। तो आज के संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप इससे एक रेफरेंस प्राप्त करेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।